नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और आप हैं टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देश में कोरोना वायरस से जंग के मोर्चे पर 7 अगस्त को बड़ी खबर सामने आई जब एक और वैक्सीन अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी मिल गई है। हेल्थ मिनिस्टर ने खुद इस बात की जानकारी दी है और इसी के साथ अब भारत में कुल 5 कोविड वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। ये वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक, अमेरिका की मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। आज के इस वीडियो में बात देश के कोरोना के मोर्चे पर हो रहे बड़े अपडेट्स की करेंगे जिसका असर आपकी और हमारी जिंदगी पर पिछले करीब 1.5 साल से पड़ रहा है। कोरोना की सेकेंड वेव अभी ठीक से गई भी नहीं कि थर्ड वेव की आशंका जाहिर की जा रही, और थर्ड वेव से निपटने के लिए जो सबसे जरूरी चीजें बताई जा रही हैं वो हैं बड़े पैमाने पर और तेजी से वैक्सीनेशन, संक्रमण के लिहाज से देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे वैक्सीनेशन किया जा रहा है उसकी स्थिति, और आबादी में कितनी एंटीबॉडीज डेवलप हो सकी है। तो जब हम वैक्सीनेशन की बात करें तो 7 अगस्त को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक टीके की 50 करोड़ डोज दी गई हैं। अब इसे आबादी के नजरिए से देखें तो 18 साल से अधिक के 94 करोड़ लोगों को टीका देना है। 7 अगस्त तक करीब 39 करोड़ यानी 41% लोगों को पहली डोज मिल चुकी है। दूसरी डोज का आंकड़ा करीब 11 करोड़ का ही है और ऐसे में 60% आबादी को दोनों डोज देने में अभी भी काफी वक्त लग जाएगा। और इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि सीनियर सिटीजन और 45 साल से ऊपर की कैटेगरी वाले लोगों को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई थी और 18 से अधिक साल के लोगों के लिए बाद में। जिस तरह की लाइफस्टाइल एडल्ट की है उसमें उन्हें ट्रेवल ज्यादा करना होता है या वो दूसरों के संपर्क में बहुत ज्यादा आते हैं और इसी लिहाज से उन्हें कोरोना से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा है, लेकिन वैक्सीन उन्हें कम लगी है। हालांकि देश का प्लान यह है कि दिसंबर तक सभी एडल्ट्स को टीका मिल जाए, लेकिन जो इस वक्त गति है उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वक्त थोड़ा और लग सकता है। और यहीं पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की खरीद और उसे लोगों को देने की बात आती है। अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक ही देश में लगाई जा रही है। अलग अलग राज्यों की बात करें तो उधर वैक्सीन की कमी की भी रिपोर्ट सामने आती है, कई राज्य कहते भी हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर मॉडर्ना, फाइजर जैसी वैक्सीन की खरीद की मांग अब उठती नजर आ रही है। मॉडर्ना को जून में भारत में आयात की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन ये अब तक आ नहीं सकी है। मॉडर्ना, फाइजर ये दोनों ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में पहुंच चुकी है। मॉडर्ना, फाइजर जैसी अमेरिकी वैक्सीन के रोल आउट में रुकावट की वजह इंडेमनिटी प्रोटेक्शन का मुद्दा भी बताया जा रहा है। मतलब यह है कि इन कंपनियों को नुकसान की भरपाई से छूट की दरकार है, लेकिन ऐसी कोई छूट सरकार देसी या विदेशी कंपनियों को फिलहाल तो नहीं दे रही है और कई बार छूट के संकेत दिए गए हैं लेकिन अब तक कुछ साफ नहीं हो सका है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर में सरकारी रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया है कि 2022 से पहले इस वैक्सीन के डोज मिलने का अनुमान नहीं है और कारण बताया गया है कि मॉडर्ना 2021 तक फुली बुक्ड है। बता दें कि मॉडर्ना के 75 लाख और फाइजर के 7 करोड़ डोज का ही ऑफर यहां पर है। और अब आखिर में वायरस के डेल्टा वेरिएंट की बात। ये वही वेरिएंट है जिसे दूसरी लहर में भारत में मचे कहर की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर एफिकेसी की बात करें तो हालिया स्टडी में कोविशील्ड को सबसे ज्यादा प्रभावी माना गया। ICMR और NIV की स्टडी में कहा गया है कि यह वायरस को न्यूट्रलाइज करने का बेहतर विकल्प है। भारत के लिए खास बात यह है कि देश में ज्यादातर कोविशील्ड का ही इस्तेमाल किया गया है और हमारी आपसे अपील है कि जब भी आपका टाइम आए, पारी आए, तो आप अपनी कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। ऐसी जानकारी और खबरों के पीछे की खबर के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।